देखा कि रोशनी है, शायद कोई काफिला हो, देखा कि वो एक आग है जो एक दरख्त के इर्द गिर्द रक्स कर रही है। वो दरख्त नहीं है, मेरे एक दोस्त रहते तूर के एरिया में रहते हैं, उन्होंने कहा वो दरख्त नहीं है, उस दरख्त के इर्द गिर्द वो रोशनी रक्सा थी, घूम रही थी। उसी से आवाज आई, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुआ, अपने जूते वहीं उतार दो। इसी वजह से यहूदियों के यहां जूते और मोजे पहन करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खालिफुल यहूद फइन्नहुम ला युसल्लून फी खिफाफिहिम वा नियालिहिम, यहूदियों की मुखालफत करो इसलिए कि अपने जूतों और मोजों में नमाज नहीं पढ़ते। तुम जूतों में नमाज पढ़ सकते हो, मोजों में नमाज पढ़ सकते हो, लिहाजा अगर कहीं बाहर नमाज पढ़नी हो और चांदनी वगैरह गंदा ना हो और ऐसे बाहर कंकरियां वंकरियां हों या मस्जिद में कंकरियां बिछी हुई तो जूते पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं। अगर नमाज जनाजा पढ़नी है, नमाज जनाजा भी अगर खेत वेत में पढ़नी है, नीचे जमीन है, तो आपको जूते उतारने की जरूरत नहीं। जूते के अंदर अगर गंदगी लगी हो तो जूते पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं, मोजे पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें यहूदियों की मुखालफत है।